please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्तर प्रदेश के मथुरा में कुछ पुलिस वाले खेत में बदमाशों को तलाश करते दिखे, क्योंकि पुलिस को यहां दो बदमाशों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस बदमाशों के ठिकाने पर पहुंची। इस दौरान पुलिस ने खेत के आसपास के इलाके के चप्पे चप्पे की तलाशी ली। पुलिस का दावा है कि तलाशी के दौरान बदमाशों की तरफ से उस पर गोली चलाई गई, जिसमें एक पुलिस वाला घायल हो गया। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी एक बदमाश को घायल कर दिया, जबकि एक बदमाश पुलिस से बचकर भागने में कामयाब रहा। तीन बदमाश किसी बड़ी लूट की योजना बना रहे थे, उसी को लेकर जैसे ही पुलिस को मालूम पड़ी, बदमाश यहाँ पे घेराबंदी करके चारों तरफ से घेर लिया और बदमाश और पुलिस में मुठभेड़ हुई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में पकड़े गए आरोपी का नाम अशोक है, जिस पर सूबे के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के समधी की हत्या का आरोप है। पुलिस के मुताबिक वो काफी वक्त से अशोक की तलाश में जुटी थी, जिसके बाद उसे ये जानकारी मिली कि अशोक अपने एक साथी के साथ हत्या की एक और वारदात को अंजाम देने वाला है। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपी के ठिकानों पर छापा मारा। जो अपराधी अशोक पकड़ा गया है, जो इंजर्ड है, ये एक शार्प शूटर था, इसका पूर्व हत्या लूट डकैती का इतिहास रहा है। फिलहाल पुलिस ने अशोक को हिरासत में ले लिया और उसके फरार साथी की तलाश में जुटी है। यूपी के अमेठी में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ सेल्फी लेने लगे। इलाहाबाद से आए इन कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के सामने प्रियंका वाड्रा को पार्टी में लाने की मांग उठाई, साथ ही राहुल के साथ उन्होंने सेल्फी भी ली। राहुल गांधी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को निराश नहीं किया और गाड़ी से उतरकर सबके साथ सेल्फी खिंचवाई। कहां से आए? इलाहाबाद। इसी दौरान भीड़ में मौजूद इलाहाबाद से अमेठी पहुंचे कार्यकर्ताओं ने प्रियंका वाड्रा को पार्टी से जोड़ने की अपील की। राहुल जी ने सकारात्मक रवैया अपनाते हुए मुस्कुरा करके प्रियंका जी को आने का संकेत जो हमको दिया, हम इलाहाबाद के कांग्रेस से उससे संतुष्ट हैं। इलाहाबाद के कांग्रेस कार्यकर्ता प्रियंका वाड्रा को फूलपुर सीट का जिम्मा सौंपने की मांग उठा रहे हैं। फूलपुर के लिए अच्छा करिए सर। फूलपुर लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है, जो केशव प्रसाद मौर्य के डिप्टी सीएम बनने के बाद खाली हुई। लिहाजा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगता है कि अगर वहां का जिम्मा राहुल बहन प्रियंका को सौंप दें तो चुनावी तस्वीर बदल सकती है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक अस्पताल में दो आदमी दर्द से करहाते नजर आए। पुलिस के मुताबिक दो गुटों के बीच हुई गोलाबारी में करीब 7 लोग घायल हो गए, जिसके बाद इलाके के लोगों ने सभी घायलों को पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान अस्पताल में बिस्तर पर लेटे दो आदमी दर्द से करहाते नजर आए। इस घटना में एक बच्चे को भी गोली लगी। वही घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और वहां मौजूद लोगों का बयान दर्ज किया। गोली चलाएं, गोली मार से 6-7 लोग घायल हो गए, हम लोग अस्पताल लेके चले आए। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि पैसे के लेन देन को लेकर दो गुटों में झड़प हो गई थी, जिसमें एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट के लोगों पर फायरिंग कर दी। दो राइफल और कुछ लोगों को लिया गया है, पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है और बाकी लोगों की तलाश हो रही है। पुलिस का दावा है कि इस घटना में घायल हुए सभी लोग दलित समुदाय से हैं। ऐसे में पुलिस इस पहलू के आधार पर भी मामले की जांच में जुटी है। झारखंड के लातेहार में बीजेपी नेता राजधानी यादव ने प्रशासन के एक अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया। जिस अधिकारी को बीजेपी नेता ने मारा, वो उनकी गाड़ी पर लगी नेम प्लेट को उतरवाने के लिए कह रहा था, लेकिन बीजेपी नेता राजधानी यादव अपने रसूख का हवाला देकर उससे बहस कर रहे थे। नोटिस काट के तू पेपर्स दुनिया चलता है। थोड़ी देर में बहस बढ़ी तो अधिकारी ने अपनी जैकेट उतार दी और राजधानी यादव ने भी गले से गमछा उतारकर कमर पर लपेट लिया। मालिक मैं हूं जिला का, अभी हम दे रहे हैं आपको। इसके बाद नियमों का हवाला देकर अधिकारी उन्हें समझाने लगा, लेकिन बीजेपी नेता नहीं माने। फिर उस अधिकारी ने एक बड़े अधिकारी को फोन लगाया, लेकिन इतने में राजधानी यादव ने एक जोर का थप्पड़ मारा, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर के लिए अधिकारी सन्न रह गया, लेकिन वो तुरंत संभला और उसने भी बीजेपी नेता को 2-4 थप्पड़ रसीद कर दिए। इस दौरान कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बनाते रहे, जबकि कुछ ने उनका बचाव किया। वहां मौजूद कुछ लोगों ने किसी तरह दोनों को अलग किया, लेकिन झगड़ा खत्म होने के बाद भी राजधानी यादव अधिकारी को धौंस दिखाते रहे। जिस अधिकारी से मारपीट की गई, उसने जानकारी दी कि सरकारी गाड़ियों के अलावा किसी दूसरी गाड़ी में सरकार के नाम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और दावा किया कि इसे लेकर 15 दिन पहले एक विज्ञप्ति भी जारी की गई थी, लेकिन बीजेपी नेता ने सरकारी फरमान को मानने से साफ इनकार किया और अपनी बात पर अड़े रहे। शर्म नहीं आता सर, जिला उपाध्यक्ष। थोड़ी देर में प्रशासन के बड़े अधिकारी वहां पहुंचे और मामले को शांत कराने की कोशिश करने लगे, लेकिन अधिकारियों के सामने भी बीजेपी नेता की हेकड़ी कम नहीं हुई। काफी देर की मशक्कत के बाद दोनों को समझाया गया और दफ्तर के अंदर मामले को सुलझाने की बात कही गई। बीजेपी नेता के हाथों पिटे अधिकारी ने इस मामले में FIR दर्ज कराने की बात कही। अब प्राथमिकी दर्ज करेंगे। वहीं प्रशासन के बड़े अधिकारियों ने साफ किया कि मामले की पूरी जांच के बाद दोषी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज 4 जज फिर मुख्य न्यायाधीश से मिलेंगे।
मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा से मुलाकात के बाद आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले चारों जज सीजीआई के साथ बैठक करेंगे। फिल्म पद्मावत का विरोध कर रही करणी सेना ने आज पूरे चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे ट्रैक को जाम करने की धमकी दी है। पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में सेना के एक कैप्टन को घायल होने के बाद उधमपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुर्रम दस्तगीर खान के मुताबिक अमेरिका ने उनके देश को समझाया है कि भारत से उन्हें कोई खतरा नहीं है। सीमा पर जवानों के हथियार की जरूरत पूरी करने के लिए जल्द ही भारतीय सेना को 72,000 असॉल्ट राइफल और 94,000 कार्बाइन मिलेंगे। दिल्ली के पीरागढ़ी में जूते चप्पल बनाने की एक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया, हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। गुजरात के सूरत में रंगाई मिल में आग लगने के बाद दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के द्वारिका में एक दामाद ने चाकू गोद कर अपने ही ससुर की हत्या कर दी और फरार हो गया। बिहार के कटिहार में चोरों ने एक मोबाइल की दुकान से 50,000 के मोबाइल और 5,000 रुपए चुरा लिए, लेकिन उनकी ये चोरी सीसीटीवी में कैद हो गई। झारखंड के जमशेदपुर में पीसीआर वैन के ड्राइवर ने पार्किंग विवाद में एक दुकानदार की पिटाई की, जिसके बाद नाराज दुकानदारों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। गुजरात के अहमदाबाद में वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया अस्पताल से ग्लूकोज की बोतल लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे। एक दिन लापता रहने के बाद सामने आए प्रवीण तोगड़िया ने आरोप लगाया कि उनके एनकाउंटर की साजिश रची गई, और तोगड़िया ने इसके लिए अंगुली राजस्थान पुलिस पर उठाई, जो एक दिन पहले उनको गिरफ्तार करने पहुंची थी। आपको उठाकर एनकाउंटर करने के लिए लोग निकले हैं। तोगड़िया यही नहीं रुके, बल्कि आरोप लगाया कि उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है और इस मामले में निशाना सीधे आईबी पर साधा। आवाज दबाने का प्रयास होता रहा, सेंट्रल आईबी ने डॉक्टर के घरों पर जाकर डराना शुरू किया। प्रवीण तोगड़िया ने बताया कि उन्होंने अपने खिलाफ केस दर्ज किए जाने पर आईबी को पत्र भी लिखा था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रवीण तोगड़िया ने आरोप लगाया कि साजिश के तहत उनके खिलाफ पुलिस केस दर्ज किए गए, और इसी सिलसिले में राजस्थान पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी। राजस्थान में दर्ज एक मामले में कोर्ट ने प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया, जिसके तहत पुलिस तोगड़िया के पास पहुंची। लेकिन प्रवीण तोगड़िया का आरोप है कि पुलिस के आने की खबर राजस्थान की सीएम और गृह मंत्री को भी नहीं थी। राजस्थान के होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर का संपर्क करवाया, दोनों ने कहा कि हमारी ओर से कोई पुलिस नहीं आई है। इसके बाद जेड प्लस सुरक्षा वाले प्रवीण तोगड़िया बिना बताए गायब हो गए। हालांकि उन्होंने सफाई दी कि वो गिरफ्तारी से बचने के लिए लापता नहीं हुए, बल्कि ऑटो रिक्शा से एयरपोर्ट के लिए निकले और इसी दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक हुए प्रवीण तोगड़िया ने गुजरात पुलिस को भी निशाने पर लिया। मैंने कोई कानून आने थी काम नहीं किया है कि मेरी रूम का सर्च वारंट आप क्यों करने जा रहे थे। तोगड़िया ने पुलिस पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाया। तोगड़िया के आरोपों के बाद शाम होते होते अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के अफसर भी मीडिया के सामने आ गए, जिन्होंने तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि ये जरूर बताया कि राजस्थान के गंगानगर जिले से पुलिस वाले प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ वारंट लेकर पहुंचे थे, जिन्होंने अहमदाबाद पुलिस से मदद भी मांगी, लेकिन प्रवीण तोगड़िया घर पर नहीं मिले, जिसके बाद राजस्थान पुलिस खाली हाथ ही लौट गई। पुलिस को शाम के वक्त प्रवीण तोगड़िया के सड़क पर मिलने की खबर मिली। शाम के टाइम पर हमें एक मैसेज मिला था, जिनका नाम बताया नहीं गया था, वो बेभान अवस्था में पड़ा है। क्राइम ब्रांच ने हत्या या अपहरण जैसी किसी साजिश से साफ इनकार किया। किडनैपिंग नहीं हुआ है, कोई ऐसी कोई घटना भी नहीं घटी है, कोई अघटित घटना भी नहीं घटी है, वो खुद यहाँ से गए थे। इस बीच प्रवीण तोगड़िया के दोस्त के घर का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें तोगड़िया मेन गेट से अकेले घर में घुसते दिख रहे हैं। दिल्ली के करावल नगर में एक घर के सामने लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। आरोप है कि इस घर में रहने वाले एक 19 साल के लड़के दीपक की पुलिस हिरासत में मौत हो गई, जिसके बाद उस परिवार पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। पुलिस के मुताबिक दीपक को सोमवार को एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में पेशी के बाद उसे वापस थाने लाया गया, लेकिन थाने में लॉकअप नहीं होने की वजह से दीपक को जांच अधिकारी के कमरे में बंद कर दिया गया और सुबह उसकी लाश कमरे की छत से लटकी हुई मिली। लेकिन परिवार का दावा है कि थाने में दीपक से मुलाकात के वक्त वो बिल्कुल ठीक था। कैसे फांसी लगा लेगी ये बताओ, कैसे लग जाएगी फांसी? उसका फोन आया वहाँ से संदीप सर का, वो कहने लगा आपके भाई ने फांसी लगा ली है। पुलिस का दावा है कि आरोपी दीपक पर पहले से ही कई केस चल रहे थे, लेकिन पीड़ित परिवार का दावा है कि उनके बेटे को झूठे केस में फंसाया गया। दीपक के घर वालों का आरोप है कि संदीप नाम के एक पुलिस वाला उसको जबरन पुलिस स्टेशन ले गया
और जब घर के लोग थाने पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। वो आया यहाँ पर कपड़े देने के, भाई ठंड का टाइम है, भाई क्यों पकड़ा, उसको भी मार के दो तीन चाटे, उसको भी बैठा लिया यहाँ। वही पुलिस की दलील है कि आरोपी ने खुदकुशी की है। जहाँ रखा गया था उसमें ये हैंगिंग करता पाया गया, क्राइम मौके बुलाई है जो इसकी प्रॉपर इंक्वायरी करेगी। फिलहाल परिवार की शिकायत के बाद इस मामले में 5 पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दिनदहाड़े एक युवक को पेट्रोल पंप से अगवा कर लिया गया। युवक पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल भरवाने आया था, तभी कुछ युवक वहां बाइक से पहुंचे और कार से खींचकर पवन नाम के युवक को बाहर निकाल लिया। इसके बाद अगवा करने वाले युवकों ने उसे जमीन पर घसीटा और तेजी से पेट्रोल पंप से निकल गए। पुलिस के मुताबिक रवि नाम के जिस युवक का अपहरण हुआ उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पुलिस के मुताबिक उसके अपहरण के पीछे ये एक वजह हो सकती है। उधर मध्य प्रदेश के मुरैना में डांसर सपना चौधरी के एक प्रोग्राम में कुछ लोग पत्थरबाजी करने लगे। पुलिस के दौरान मुताबिक प्रोग्राम के टिकट खत्म होने की वजह से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद इन लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाते हुए उसका शीशा भी तोड़ दिया, जबकि कार्यक्रम में मौजूद लोगों पर भी पत्थरबाजी की गई। हालात खराब होता देख डांसर सपना चौधरी भी कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर चली गई। निश्चित रूप से बहुत नियंत्रण किया गया, भीड़ को वहां से हटाया गया, फिर भी उसके बाद भी कुछ लड़कों ने पत्थर फेंके हैं, 2-4 पत्थर फेंके हैं, तो उसमें क्या उनका पता लगाया जा रहा है वो कौन लड़के थे और उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध करवाया जा रहा है। दिल्ली में केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मीडिया से घिरे नजर आए, क्योंकि सरकार ने इस साल से हज सब्सिडी खत्म करने का ऐलान किया और इसकी जानकारी खुद उस विभाग के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दी। हज सब्सिडी खत्म करने के पीछे सरकार अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण की दलील दे रही है। हज सब्सिडी 2018 के हज के बाद नहीं रहेगी, उस हज सब्सिडी का शैक्षणिक सशक्तिकरण में इस्तेमाल होगा। केंद्रीय मंत्री नकवी का दावा है कि हज सब्सिडी से हाजियों का फायदा नहीं था, मुसलमानों का कोई फायदा नहीं होता था, वो कुछ एजेंसियों का फायदा उससे होता था। गरीबों की हज यात्रा कराने के लिए सरकार अलग से इंतजाम करने जा रही है, हालांकि ये इंतजाम किस तरह के होंगे इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। सरकार ये भी दावा कर रही है कि आने वाले दिनों में समंदर के रास्ते हज यात्रा की शुरुआत होगी। ऐसे में सॉफ्ट हिंदुत्व की सियासत का आरोप झेल रही कांग्रेस ने हज सब्सिडी खत्म करने पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी। जब तक इसका पूरा अध्ययन ना हो जाए मैं इस पर कहने के पहले पूरा उनका आदेश देख लेना चाहता हूँ। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने अपने अंदाज में मोदी सरकार पर तंज कसा। खजाने का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी मेरे ख्याल से उन हाजियों से होना चाहिए जो हज कर चुके हैं। देश का खजाना सिर्फ हाजियों की वजह से ही लूटा जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में हज सब्सिडी खत्म करने को लेकर सरकार को निर्देश दिया था और साफ कहा था कि 10 साल में धीरे धीरे हज सब्सिडी को खत्म करने का फैसला लिया जाए। इसके 6 साल बाद केंद्र सरकार ने हज सब्सिडी नहीं देने का फैसला लिया, जिस पर मुस्लिम उलेमा भी खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहे कि इस सब्सिडी का आज तक फायदा हाजियों को तो नहीं मिला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि अब हज के लिए एयरलाइंस चुनने की आजादी होनी चाहिए। सब्सिडी हमको बिल्कुल ना दे, लेकिन हमको ये अख्तियार दे दें कि हम जिस एयरलाइन से जाना चाहें उस एयरलाइन से जाए। सरकार जिन लोगों को सब्सिडी देती थी उन्हें एयर इंडिया से ही भेजा जाता था। हर साल भारत से 1 लाख से ज्यादा मुसलमान हज के लिए सऊदी अरब जाते हैं। हज पर जाने वालों को हवाई यात्रा का बड़ा हिस्सा सरकार देती है और हर यात्री को सिर्फ 16,000 रुपए देने होते हैं। बाकी का पैसा सरकार सब्सिडी के तौर पर एयर इंडिया को देती है। 2014 में NDA सरकार बनी तो 700 करोड़ रुपए हज सब्सिडी के रूप में दिए जाते थे। पिछले 3 साल में सरकार इसे कम करते करते 250 करोड़ तक ले आई और इस साल से इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। भोपाल के जाने माने कस्तूरबा अस्पताल CMO को गिरफ्तार कर लिया गया। CMO डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता पर हॉस्पिटल में नर्सिंग का कोर्स कर रही छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा। 22 साल की नर्सिंग की छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने जांच की और आरोपी CMO डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। छात्रा ने शिकायत की थी कि CMO उसके साथ पिछले कुछ दिनों से छेड़छाड़ कर रहा है। यही नहीं, CMO ने नर्सिंग कोर्स कर रही छात्रा को अश्लील SMS भी किए। पीड़िता के मुताबिक आरोपी CMO छात्रा पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव भी डाल रहा था। डॉक्टर की हरकत से परेशान होकर पीड़िता ने थाने का दरवाजा खटखटाया। पुलिस पड़ताल में छात्रा के आरोप सही पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। गोविंदपुरा पुलिस के मुताबिक आरोपी डॉक्टर के खिलाफ बाकी के जो साक्ष्य हैं वो भी जुटाए जा रहे हैं। वहीं आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में भी पेश कर दिया है। खाप पंचायतों के मनमाने रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई बालिग लड़का और लड़की अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो खाप पंचायत को उनसे सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने साफ किया कि शादीशुदा जोड़े पर खाप पंचायत की किसी भी तरह की कार्रवाई को गैर कानूनी माना जाएगा।
खाप पंचायतों पर अंकुश लगाने में नाकाम रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई। अगर खाप पंचायतों को बैन करने के लिए केंद्र कदम नहीं उठाता तो फिर कोर्ट को ही कार्रवाई करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही है। उधर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद के बचाव में खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खाकान अब्बासी उतर आए। पाकिस्तानी टीवी के एक प्रोग्राम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खाकान अब्बासी ने कहा कि हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान में कोई मामला दर्ज नहीं है। खाकान अब्बासी ने कहा कि कार्रवाई वहां की जाती है जहां कोई मामला दर्ज होता है। पाकिस्तान में कोई केस हाफिज सईद साहब के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान में कोई केस हाफिज सईद साहब के खिलाफ नहीं है। हाफिज सईद पर कोई केस दर्ज नहीं और ऐसे में कार्रवाई भी मुमकिन नहीं है, ये खुद कहते हुए नजर आए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खाकान अब्बासी। संदीप सोनवलकर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संदीप, हाफिज के बचाव में यहाँ पर प्रधानमंत्री खुद सामने आए, ऐसे में पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ। बिल्कुल, जिस तरीके की उम्मीद पाकिस्तान से हर दुनिया के हर देश को है, वही जो है इस बार भी सामने आई है कि वो किस तरीके से आतंकियों का बचाव करता है। अभी तक तो पीछे जो है अलग अलग तरीके से बचाव करता नजर आया था, लेकिन अब जो है हाफिज सईद के समर्थन में जिस तरीके से वहाँ के प्रधानमंत्री आ खड़े हुए हैं और इसी तौर पर ये कहा है कि उसके खिलाफ कोई केस नहीं है, तो कार्रवाई कैसे हो, आखिर केस दर्ज करेगा कौन, आखिर केस दर्ज वहाँ की सरकार करेगी या आवाम करेगी, क्योंकि जिस तरीके के सबूत हम लोगों ने दिए हैं, भारत की तरफ से दिए गए हैं 26/11 को लेकर, वो नहीं हुए हैं। तो ऐसे में जब केस ही नहीं दर्ज करेंगे तो फिर केस कहाँ से होगा।